ऑलराइट है गाइस एंड व्हाट्स एवरीबॉडी, इट्स देवेश बैक इट अगेन विद इन फ्रेश वीडियो। सो आज की इस वीडियो में सेमेस्टर सेकंड वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा सेमेस्टर सेकंड के जो बच्चे हैं जिनों के एग्जाम अगस्त में आने वाले हैं, उनको अभी ये नहीं पता उनका सिलेबस कौन सा होने वाला है, उनके सिलेबस में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं या कौन कौन सी बुक्स आएगी, और बुक्स जो हैं वो मिलेंगी कब, उनको डाउनलोड कैसे करना है अगर सॉफ्ट कॉपी में डाउनलोड करना चाहते हो, तो सारी चीज़ें इस वीडियो में कंफर्म क्लियर करने वाला हूँ। वीडियो को बस एंड तक देखना, और चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नीचे टेलीग्राम चैनल है, इंस्टाग्राम है, सारा ज्वाइन कर सकते हो आप। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो हाँ फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिनको अभी सेमेस्टर सेकंड का ही नहीं पता। तो देखो, मार्च में जब आपके एग्जाम खत्म हुए थे अप्रैल की 10 तारीख तक, तभी आपका सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट हो गया था। अगर आपको अभी तक अपने सिलेबस में जो सब्जेक्ट है वो सब नहीं पता, तो मैं आपको बता दूं कैसे चेक करने हैं। जब आपने अपना हॉल टिकट डाउनलोड करा हो या फिर अपनी फीस रिसिप्ट, जब आपने फीस रिसिप्ट भरी थी, फीस दी थी सेमेस्टर वन की, तो फीस रिसिप्ट के साथ ही जब आप फीस रिसिप्ट में देखोगे तो वहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट जो ऑफर्ड में वो मिलेंगे, उसके नीचे सेमेस्टर टू के सब्जेक्ट भी आपको देखने को मिल जाएंगे। आप फीस रिसिप्ट में जाके सेमेस्टर टू के सब्जेक्टों को देख सकते हो, आपको कौन कौन से सब्जेक्ट मिले हैं और कौन कौन से नहीं मिले, और बुक कैसे उसकी डाउनलोड करनी है वो भी मैं बता दूंगा अभी, बस वीडियो में कंटिन्यू देखते रहो, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन, अगर आपको सब्जेक्ट वहां भी नहीं शो कर रहा, वहां नहीं देखने आ रहे, तो कैसे देखोगे? आपको जाना है sol.du.ac की साइट पे। साइट पे जाने के बाद आपको क्या करना है, कंटिन्यू टू वेबसाइट, साइड में लिखा रहता है, जैसे आप साइट को ओपन करोगे ब्लू रंग का, उस पे क्लिक करना, उस पे जैसे ही जाओगे स्टूडेंट डैशबोर्ड, किसको बोला मैंने, स्टूडेंट डैशबोर्ड, डैशबोर्ड पे आप जाओगे, डैशबोर्ड पे अपना वहां पे क्या क्या है, दो चीजें आपकी मांगेगा, एक तो आपका SOL का रोल नंबर जो आपका आईडी कार्ड में होता है, दूसरा आपका बारकोड, दोनों को लॉगिन करोगे तो वहां पे जो फेस खुलेगा, जो भी आपके सामने फ्रंट पेज आ जाएगा, उसमें ऊपर की साइड आपको एक प्लस का आइकन दिखेगा, आइकन पे आप क्लिक करोगे तो वहां पे लिस्ट आ जाएगी, उस लिस्ट में आपको जहां पे एडमिशन सेशन होता है या फिर जहां पे आपकी रिसिप्ट होती है, आइडेंटिटी कार्ड होती है, वहां पे आपको जाके देखना है, उसमें आपको अपने जो सब्जेक्ट्स हैं वो दिखा देगा सेमेस्टर टू में आपने कौन कौन से सब्जेक्ट लिए हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बुक्सों को डाउनलोड कैसे करना है, बुक्स हार्ड कॉपी में मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो देखो, बुक्स मिलना स्टार्ट हो चुकी है, मगर कुछ स्टूडेंट्स ही को अभी बुक्स मिलना स्टार्ट हुई है। बीए प्रोग्राम की तो बुक अभी भूल ही जाओ, उनको तो अभी नहीं मिल रही, क्योंकि वो कह रहे हैं अभी सॉफ्ट मटेरियल प्रिंट होकर नहीं आया, तो आप थोड़ा और वेट करो, जैसे उनको मिलेगी हम आपको भी बता देंगे। जो क्या बोलते हैं बीकॉम की बुक है ना, मतलब कि बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम प्रोग्राम, बीकॉम वाले बच्चे जाके बुक ले सकते हैं, केशवपुरम चाहे नॉर्थ कैंपस चाहे साउथ कैंपस, जहाँ पे आपको लेना है आप जाके इजिली ले सकते हो, ठीक है। और अगर वहाँ पे अभी आपकी बुक नहीं आई है तो वो एक्सपेक्टेड डेट भी बता देंगे कि कब तक आ जाएगी, जाके आप चेक कर सकते हो बाकी। और एक चीज़ और, अब आपको बताता हूँ कि कैसे अपना सिलेबस डाउनलोड करना है, सिलेबस डाउनलोड करके कौन कौन से आपके सिलेबस में सब्जेक्ट रहने वाले हैं, पहले तो आप रिसिप्ट चेक करना आपने कौन कौन से लिए हैं, उसके बाद आप सिलेबस देखना कौन कौन से सिलेबस में है। तो आइए पहले बिना टाइम वेस्ट करें सिलेबस को देखते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो मैं आपको सबसे पहले बताने वाला हूँ आपको अपने सिलेबस को डाउनलोड करना है तो कैसे करना है, आपको अपना सिलेबस डाउनलोड कैसे कर सकते हो, सेमेस्टर सेकंड के हो चाहे थर्ड के हो चाहे कोई से भी सेमेस्टर के हो। सबसे पहले आपको sol.du.ac की साइट पे आ जाना है। इस साइट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में नीचे की साइड आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा ऊपर ही, आप यहाँ से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो बाद में, ठीक है। तो इस पे आने के बाद आपको ये जो पेज जिस तरह का दिख रहा है आपको साइड में दिखेगा, राइट हैंड साइड में कंटिन्यू टू वेबसाइट, कंटिन्यू टू वेबसाइट पे क्लिक करना है। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, जहां पर आपको CBCS का ऑप्शन दिखेगा, ये वाला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा CBCS का, ठीक है। तो आपको इसी ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। इस पे जैसे आप क्लिक करोगे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल जब हम करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ कैटेगरी दिखेगी, इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो अंडर ग्रेजुएट सेमेस्टर वाइज सिलेबस दिखेगा, यहाँ पे लिखा है यूजी का, यहाँ पे पीजी का, तो आप अंडर ग्रेजुएट हो अभी तो आप इस पे क्लिक करोगे, ठीक है। तो हम कर देते हैं इस पे क्लिक, सिलेबस अंडर ग्रेजुएट, उसके नीचे जैसे हम थोड़ा क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे सिलेबस की लिस्ट आ गई है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो सेमेस्टर वन, सेमेस्टर टू, सेमेस्टर थ्री, हमको देखना है सिर्फ सेमेस्टर टू का, या आप सेमेस्टर फोर्थ का देखना चाहते हो या फिफ्थ का देखना चाहते हो तो उसके लिए भी सेम प्रोसेस, नीचे देखोगे तो सेमेस्टर फोर्थ, सेमेस्टर फाइव और सेमेस्टर सिक्स, ठीक है। तो इस तरह से मैं आपको सेमेस्टर सेकंड का डाउनलोड करके दिखाने वाला हूँ एक आध बुक, तो आपको कैसे करनी है। तो देखो सेमेस्टर सिक्स, सॉरी सेमेस्टर टू, ये आपको दिख रहा होगा, आपको डाउनलोड करने के लिए क्या करना है, मान लो मैं बीए ऑनर्स इंग्लिश की सिलेबस बुक आपको डाउनलोड करके दिखा रहा हूँ, तो आपको इस पे क्लिक करना है बीए ऑनर्स इंग्लिश, देखो ये ब्लू हो गया, अब आपको नीचे क्लिक करना है, जब ये ब्लू हो जाएगा तो नीचे एक ओपन का ऑप्शन आएगा, ये रहा, तो इसी ओपन के लिंक पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे तो अभी कुछ सेकंड्स लेगा, हमारी बुक्स डाउनलोड हो रही है अभी,
हाँ फ्रेंड्स, तो देखो हमारी जो सिलेबस की बुक है ये लिखा है सेकंड सेमेस्टर बीए ऑनर्स इंग्लिश, इसका सिलेबस डाउनलोड हो गया है, ठीक है। तो यहाँ से आप अपने कोर कोर्सेज देख सकते हो। ये दो कोर्सेज ऐसे होते हैं जो आपको कंपलसरी मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो ये हैं आपके कोर कोर्सेज जिसमें आप इंडियन राइटिंग एंड इंग्लिश, और यहाँ पे लिखा है ब्रिटिश पोइट्री एंड ड्रामा, ये आप पढ़ोगे। यहाँ पे स्किल इनहेंस है AECC, जिसमें से आपको कोई एक चूज़ करना है, या तो एनवायरमेंटल साइंस या इंग्लिश या हिंदी, ठीक है। इस तरह से आपको नीचे जेनरिक इलेक्टिव दिखेगा, जहाँ से आपको एक कोर्स चुनना होगा, ठीक है। टोटल आपके चार सब्जेक्ट होंगे, एक जेनरिक इलेक्टिव, एक AECC, और एक होगा आपका, दो होंगे आपके कोर कोर्सेज में, समझ आ गया। अब हम दूसरी कैटेगरी का एक बार डाउनलोड कर लेते हैं। तो उसको कैसे करेंगे, मान लो अभी मेरे को बीकॉम का डाउनलोड करना है, सेम प्रोसेस है भाई हर किसी को डाउनलोड करने की। आपको अगर बीकॉम का करना है तो बीकॉम के लिए भी सेम प्रोसेस है। यहाँ पे बीकॉम ऑनर्स लिखा है, हम इस पर क्लिक करेंगे, ये ब्लू हो गया। तो अब इसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद इस पर ओपन पे क्लिक करेंगे, तो अभी ये फिर से एक दो सेकंड लेगा। तो ये डाउनलोड हो गया हमारा सिलेबस, देख सकते हो बीकॉम ऑनर्स सेमेस्टर टू बीकॉम में जो जो सिलेबस है वो यहाँ पे आपको दिखा रहा है। सबसे पहले यहाँ पे आपका कोर कोर्सेज है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और कॉर्पोरेट लॉ बोल सकते हो, ठीक है। तो ये दोनों आपके कंपलसरी रहने वाले हैं। ये AECC है जिसमें से आपको कोई एक चूज़ करना है, या तो एनवायरमेंटल साइंस या फिर इंग्लिश हिंदी ABC करके। उसके नीचे जनरल इलेक्टिव है जिसमें आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़नी होगी, समझ आ गया। तो ये कोर्सेज हैं, इस तरह से आप किसी भी सेमेस्टर से हो, चाहे आप सिक्स से हो चाहे फोर्थ से हो, कोई भी कोर्सेज को डाउनलोड कर सकते हो, चाहे ये वाला चाहे ये वाला चाहे सेकेंड सेमेस्टर का, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैंने आपको बता दिया। हाँ फ्रेंड्स, तो अभी जैसे मैंने आपको बताया था, अभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग से दिखाया कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट लेने हैं या फिर कौन कौन से सब्जेक्ट जो है आपको मिले हुए हैं। आप इसी तरह से चाहे BA के हो ऑनर्स वाले, चाहे आप BA प्रोग्राम के हो, चाहे आप BCOM के हो, चाहे आप BCOM ऑनर्स के हो, आप कोई से भी सब्जेक्ट डाउनलोड कर सकते हो या सिलेबस देख सकते हो UG सिलेबस करके, ठीक है। साइट पर मैंने बता दिया कैसे देखना है। अब हम दूसरी चीज़ डिस्कशन कर लेते हैं। अब बुक्स अगर डाउनलोड करनी है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से किसी भी कोर्स से बिलोंग करते हो, तो आपको बुक्स डाउनलोड करने का सेम पैटर्न होने वाला है। बुक्स को कैसे डाउनलोड करें, तो आइए इसको भी आप देख लेते हैं। हाँ फ्रेंड्स, तो अब हम डिस्कशन करने वाले हैं आपको किस तरह से अपनी SOL की बुक्स जो है सॉफ्ट कॉपी PDF डाउनलोड करनी है। आपको SOL की साइट पर आ जाना, सेम कंटिन्यू टू वेबसाइट वही वाला लिंक है। CBCS का ऑप्शन आपको नीचे दिखेगा फिर से, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था। आपको CBCS पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको इस बार अपनी बुक डाउनलोड करनी है, मतलब कि स्टडी मटेरियल। तो आपको क्या करना है, स्टडी मटेरियल अंडर ग्रेजुएट, ये रहा नीचे आपको दिख रहा है। अभी हमने क्लिक करवाया था यहाँ पे सिलेबस अंडर ग्रेजुएट, अब आपको स्टडी मटेरियल पे क्लिक करना है, इस वाले पे, ठीक है। तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं। अच्छा, अब आपको कौन से सेमेस्टर का स्टडी मटेरियल चाहिए, कौन से कोर्स का, वो आपको देखना है। मान लो मेरे को BCOM का चाहिए, नहीं BA का चाहिए, ठीक है। तो जिस भी कोर्स को आपको सिलेक्ट करना है, जैसे BCOM का करना है तो BCOM पे क्लिक कर देना। उसके बाद नीचे सेमेस्टर अपना सिलेक्ट करना, नीचे सेमेस्टर है सेकंड, तो सेकंड सेमेस्टर को सिलेक्ट करना, ठीक है। उसके बाद जैसे नीचे आओगे यहाँ पर आपको अपनी बुक्स दिखेगी। तो इसको बुक्स को डाउनलोड कैसे करना है समझा देता हूँ मैं। ये देखो, सबसे पहले तो ये जो दिख रहा होगा ना, ये वाला साइन, ये जो रेड रेड वाला साइन है, ये PDF का साइन होता है, मतलब कि आपकी बुक है, आपको इसी पर क्लिक करके डाउनलोड करनी होती है, ठीक है। मान लो मेरे को EVS का सिलेबस डाउनलोड करना है, जो कि मेरा ये वाला है, तो EVS के नीचे ये PDF दिख रही है, आपको इस पर क्लिक करना है। तो मैंने इस पर क्लिक करा, ये ब्लू हो गई PDF, ठीक है। अब आपको नीचे क्या करना है, नीचे यहाँ पर आपको ओपन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर दो। सिंपल, जैसे आपने अभी अपना सिलेबस डाउनलोड करा था, बिल्कुल सेम प्रोसेस बुक्स डाउनलोड करने का है। तो ये मेरी बुक्स जो है वो इन्वायरमेंटल साइंस की हिंदी मीडियम में डाउनलोड होकर आ गई है। ये देख सकते हो ये पूरी बुक्स है, 103 पेज है इसमें टोटल, ठीक है। तो इसको चाहे तो अगर आप प्रिंटआउट से पढ़ना चाहते हो, आप प्रिंटआउट निकलवा सकते हो। हार्ड कॉपी में अगर आप पढ़ना चाहते हो तो प्रिंटआउट दुकान से या साइबर कैफे से आप निकलवा सकते हो। तो ये प्रोसेस है आपको बुक्स डाउनलोड करने का। आप कोई सी भी किसी भी कैटेगरी की बुक्स डाउनलोड कर सकते हो। ये सारी अभी BCOM की है, सेमेस्टर सेकंड की। अगर आपको BA की चाहिए तो BA पे क्लिक कर देना, सेमेस्टर सेकंड पे क्लिक कर देना। फिर उसके बाद नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको BA वाली बुक्स दिख जाएंगी सारी की सारी, ठीक है। जैसे ये तमिल है, हिंदी है, इन्वायरमेंटल साइंस है, स्किल इनहेंस है, यहाँ पे इन्वायरमेंटल साइंस है। कोई सा भी लेसन डाउनलोड करना है तो ये आपको लिंक दिख रहे हैं रेड रेड वाले PDF वाले, आपको इन पर क्लिक करना है बस। इस पर नीचे आपको फिर से जाना है, यहाँ पे आपको ओपन का ऑप्शन दिखेगा, ओपन के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ से बुक्स डाउनलोड हो जाएगी। और फिर भी अगर किसी का कोई डाउट्स है, नहीं आ रहा समझ में, तो नीचे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर लेना, कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है,
हमारी टीम आपको बुक्स प्रोवाइड करवा देगी। ठीक है, फिर अभी जैसे मैंने बताया आपको कि बुक्स कैसे डाउनलोड करनी है, अभी मैंने सारा प्रोसेस बताया था, सेम उसी तरह से हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बुक्स डाउनलोड होगी, चाहे आप बीकॉम में हो, बीए में हो, बीए पॉलिटिकल साइंस में हो, इंग्लिश ऑनर्स में हो, सेम प्रोसेस रहने वाला है। आपको जाना है सबसे पहले ऊपर जाके सिलेक्ट करना है अपना कोर्स कौन सा है, नीचे सेमेस्टर कौन सा है, 1 2 3 जैसे मैंने करा था, उसके नीचे जो बुक्स आ जाती हैं सेमेस्टर वाइज आपको उस पर क्लिक करना है, ब्लू हो जाएगा नीचे आपको दिख रहा होगा, उसके बाद ब्लैक कलर का ऑप्शन वहाँ पर ब्लू ब्लू में या व्हाइट व्हाइट में लिंक दिखेगा, उस लिंक पे ओपन का लिंक होगा जो उस पर क्लिक करना है, फिर आपकी बुक्स डाउनलोड हो जाएगी। और बुक्स जो है हार्ड कॉपी में मैं बता चुका हूँ, अभी आप जाके देख सकते हो, बुक कुछ स्टूडेंट्स को मिल रही है, अभी कुछ को नहीं मिल रही। तो आई होप इस वीडियो में आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, आपको कौन सा सब्जेक्ट लेने हैं, सिलेबस क्या रहने वाला है और बुक्स कैसे डाउनलोड करनी है सॉफ्ट कॉपी भी। ठीक है, तो अभी इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, और जल्दी नेक्स्ट वीडियो में आपको नई अपडेट देंगे, नई अपडेट आपकी जो टेंटेटिव डेट शीट है वो तो आ चुकी है रेगुलर की, और एनसीवेब की आ गई, जाके देख सकते हो, एसओएल की अभी नहीं आई है फिलहाल, टेंटेटिव भी, जैसे एसओएल की आएगी आपको इन्फॉर्म कर देंगे। और अभी के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, एसओएल के रिगार्डिंग सारी अपडेट भाई चैनल स्क्रीन पे आपको प्रोवाइड करी जाएगी। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, सी यू, टाटा एंड बाय बाय।